स्पॉन्सर्ड बाय LK इंटरनेशनल स्कूल अकोना शेर घाटी गया। आम जनता के मेहनत की कमाई की बचत के पैसे हड़पने वाली तथा कथित अनाधिकृत नन बैंकिंग कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान झारखंड सरकार द्वारा किए गए हैं। इसके विनियमन के लिए सरकार द्वारा संबंधित प्रमंडल के आयुक्त को सक्षम प्राधिकार नामित किया गया है। वहीं संबंधित जिलों के उपायुक्त सक्षम प्राधिकार के सहायक पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव अखौरी शशांक सिन्हा ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि फर्जी प्रचार के जरिए अधिक लाभ का प्रलोभन देकर अविनियमित कंपनियां आम निवेशकों से पैसे जमा कराती हैं, तो उस स्थिति में कम से कम 2 साल से लेकर 7 साल की सजा एवं अधिकतम 3 लाख से लेकर 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। इसके आलोक में हम लोगों ने आज पलामू प्रमंडल में आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक हम लोगों ने कार्यशाला का आयोजन किया और उसमें विभिन्न जिलों से ये जो पलामू गढ़वा और लातेहार के जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं और पुलिस पदाधिकारी हैं वो आए, भाग लिया। और इसमें द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स के प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई और जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, मध्यवर्गीय परिवारों का जो पैसा चिटफंड जैसी कंपनियां जो लोगों का लेकर के भाग जाती हैं, उनको किस तरह से रोका जाए और किस तरह से उनको न्यायालय में वैसे मामले पहुंचाए जाए, इस पर चर्चा की। तो ये काफ़ी अच्छा रहा कार्यक्रम और इससे लोगों को जानकारी भी हुई और हमें आशा है कि इसका परिणाम इनके कार्यशाला में तीनों जिला के प्रमंडल, पलामू प्रमंडल के तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के SDPOs, SDOs और DC साहब लोग आए थे और उनको इस एक्ट से वाकिफ कराया गया। मूल उद्देश्य यह है कि जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसे अनरेगुलेटेड ढंग से जो चिटफंड कंपनियां या अन्य कंपनियां ज़्यादा इंटरेस्ट देने के नाम पे उनसे वसूलती हैं और बाद में भाग जाती हैं, उनके रोकथाम के लिए सरकार के स्तर से यह कार्यशाला लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये आयोजित की गई थी। और अपने अपने क्षेत्र में हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो जाएंगे और इससे लोगों को अवगत कराएंगे और इसके विरुद्ध में जो भी नीन एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।